हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? तैयारी कैसे चल रही है? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। आज के जो ये वीडियो है उसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका मॉड्यूल है। इसमें से आसानी से आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स, देर इज़ नो डाउट। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं और किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। एंड वीडियो के एंड में मैंने कुछ स्मॉल ट्रिक्स और डायरेक्ट फॉर्मूले कुछ लिखे हुए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है, अप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम फॉर इवेल्युएशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स। ओके, ये ज़रूर देख लेना आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड, जो कि सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको ये आइडिया तो ज़रूर होगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? जब कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक किसी एक पॉइंट और उसके नेबरहुड में एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल हो, एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है एनालिटिक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन आपके AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से आने के चांसेस आपके रहेंगे। मैंने AKTU का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है सॉल्यूशन, वो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अब यदि आपको एनालिटिक फंक्शन समझ आ गया कि क्या है, जो कि होता है डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एंड इट्स नेबरहुड, तो आप बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन जो है इन चारों में से वो एनालिटिक होगा। तो पहले ही बता दूँ, कुछ ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए हुए थे कि रियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लेट मी राइट दिस वन। ये कुछ नोट्स भी आप अपने साथ में लिखते चलिए ताकि आपको लास्ट पॉइंट में हेल्पफुल रहे। रियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज नॉट एनालिटिक, ओके। सो यहाँ आप देख रहे हो एक्स जो है वो रियल नंबर है, और यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है जेड कॉम्प्लेक्स है, तो ये फंक्शन आपका रियल बन गया है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसलिए ये एनालिटिक नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो वाई इज रियल एंड जेड इज हियर कॉम्प्लेक्स, सो ये भी आपका रियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, ये भी आपके पास एनालिटिक नहीं है। इसका ज़रा आप अगर आप चेक करोगे, कैसे चेक करते हो आप CR इक्वेशन से, तो वो CR इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी, ओके। सो ये भी आपका एनालिटिक नहीं है। तो बचा हुआ क्या है? cos z, cos z इज an एनालिटिक फंक्शन, ओके, क्योंकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट, ओके। और ये z इक्वल टू जीरो या इसके हर एक नेबरहुड में या फिर किसी और पॉइंट के नेबरहुड में डेफिनेटली इट इज़ डिफरेंशिएबल। सो इसका आंसर आपके पास आ गया दिस वन। अब पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी CR इक्वेशन की, तो CR इक्वेशन बता दो क्या है इनमें से। CR इक्वेशन क्या होता है? अगर एफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ वी ऑफ एक्स वाई है, अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस विल बी अ यू नो वट वट इज द CR इक्वेशन। CR इक्वेशन इज यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी ऑफ वाई, मतलब कि अगर यू को मैं पार्शली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, दैट शुड बी इक्वल टू द पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू वाई। और दूसरा क्या है कि अगर मैं वाई से यू को डिफ्रेंशिएट करूँ, तो इट विल शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वी एक्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो आप कंपेयर करके देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। आई थिंक दिस वन, दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन AKTU लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है ये। अ पॉइंट एट विच फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, मतलब जिस प्रॉब्लम आती है एनालिटिक होने में, तो उन पॉइंट को क्या कहा जाता है? सिंगुलर पॉइंट। जैसे एफ जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड, ये जेड इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन एनालिटिक
नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, z इक्वल टू जीरो पे दिस फंक्शन इज सीज टू बी एनालिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास है, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज, फोर ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, एनालिटिक, नोवेयर एनालिटिक, नॉन एनालिटिक, एंटायर फंक्शन। अच्छा, एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन इज फंक्शन विच इज एनालिटिक ओवर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। फंक्शन इज एनालिटिक ओवर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब ये तो सारे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर एनालिटिक है तो उसको बोला जाता है एंटायर फंक्शन, ठीक है। सो एनालिटिक, क्या ये एनालिटिक है? पहली बात, एक स्टेप मैंने अभी जस्ट आप लोगों को लिखाया था कि मॉडुलस ऑफ जेड को आप कैसे लिख सकते हो आप, व्हाट इज, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब व्हाट इज द यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, दिस इज द मीनिंग। सो इट विल बी अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज इट, यस। सो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल नहीं है? डोंट यू थिंक सो? इज इट रियल और नॉट? सो अभी जस्ट आपको बताया था कि रियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज नॉन एनालिटिक, एनालिटिक नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर दो चीज़ें दी है, नो वेयर एनालिटिक और एक दिया हुआ है नॉन एनालिटिक। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? एनालिटिक नहीं होगा, ये तो हमने समझ लिया। एंटायर फंक्शन जो है वो होता है कि फंक्शन एनालिटिक हो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अब ये एनालिटिक नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो एनालिटिक ही नहीं है तो एंटायर तो हो ही नहीं सकता है। बचा ये दो ऑप्शन, अब इसमें क्या हो सकता है? देखो मॉडुलस, अगर मान लो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस जेड, अगर ये कांस्टेंट होता है कोई, अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको कहेंगे नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसने कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये कांस्टेंट है कि नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये नो वेयर एनालिटिक होगा, किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, सो इट इज नो वेयर एनालिटिक, हेंस इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इज नथिंग बट कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम है आपके पास, कि अगर कोई ओपन सेट है, कंटेंड है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटेंड है, और साथ ही साथ एक टी है, टी इज नथिंग बट ए ट्रायंगल कंटेंड इनसाइड दिस ओपन सेट, मतलब ओपन सेट है, ओपन सेट के अंदर ट्रायंगल्स हैं, तो ये ट्रायंगल एक सेट है टी का, ठीक है। सो ये दिस इज योर सिग्मा, ओके। सो नाउ अगर ये फंक्शन जो है वो होलोमॉर्फिक है, होलोमॉर्फिक भी वही है, मतलब एनालिटिक है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपने कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम पढ़ा होगा, गॉर्सेट का थ्योरम, तो आपको पता होगा कि ये जो है ना एफ जेड, ये जो एफ जेड है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो वो टी सेट, टी के अंदर जो टी बनेगा, जो ट्राइंगल्स का सेट है या फिर ट्राइंगल ही है, उसमें ये आपके पास जीरो वैल्यू देगा ये इंटीग्रल, ठीक है। यही आपका कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम होता है, एक बार जाके जरूर इसको देख लेना, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए इसका ये। नाउ लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन, इफ सी इज अ सर्कल गिवन बाय दिस, ये एक सी एक सर्कल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, क्या होगा बताओ? कॉशी थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अप्लीकेशन आएंगे डायरेक्ट, कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, इन सभी पे केवल अप्लीकेशन ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अगर आपको थ्योरम ध्यान है तो अप्लीकेशन आराम से आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम्पल में। कॉशी थ्योरम क्या कहता है आपके पास? अगर एफ जेड कोई एनालिटिक है, देन फंक्शन है, देन दिस विल बी ओवर इन द सी कर्व सी, देन दिस विल बी जीरो, ठीक है, ये आपका कहता है कॉशी थ्योरम।
अब एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए. व्हाट इज एफ जेड हियर? यू सी एफ जेड यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 1/z-4. सो ये क्या एनालिटिक है? किस में? सी में. व्हाट इज सी? सी इज हियर दिस सर्कल. दिस सर्कल को जरा ड्रॉ करो. आपके पास सेंटर कहाँ पर आ रहा है? वन पे. वन पे सेंटर आ रहा है तो मैंने यहाँ पॉइंट पुट किया वन. ठीक है, लेट मी टेक दिस वन. ओके, और आपके पास रेडियस भी वन का है. तो यहाँ से मैं रोटेट कर देता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा. ठीक है, तो इस रीजन में, इन दिस रीजन वी नीड टू चेक ये फंक्शन जो है एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-4 ये एनालिटिक है कि नहीं. सो ये 100% एनालिटिक है क्योंकि सिंगुलर पॉइंट इस फंक्शन का जेड इक्वल टू 4 है. मतलब 4 पे हमें एनालिटिसिटी या डिफ्रेंशियबिलिटी इसकी नहीं मिलेगी. तो 4 तो आपका यहाँ पर आ रहा है ना कहीं, दिस इज हियर. ये आपका 2 हो गया, दिस इज 3. सो 4 यहाँ आ रहा है, दिस इज आउटसाइड द रीजन. ये रीजन के आउटसाइड है. तो 100% इस रीजन में ये फंक्शन एनालिटिक हो गया. एनालिटिक हो गया तो आपके पास ये इंटीग्रल क्या आ गया? 0. यही अप्लीकेशन होता है कॉशी थ्योरम का. नाउ लेट सपोज इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. लेट मी चेंज दिस क्वेश्चन. और यहाँ पे इस 4 की बजाय मैं ले लेता हूँ 1/2. ठीक है, मतलब आपका जो इंटीग्रल अब निकालना है, पहले वाला क्वेश्चन भूल जाओ अभी. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इससे पहले वाला जो dz/z-4 का आंसर आपके पास 0 हो गया. ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं वो आपके पास है कि अगर ये इंटीग्रल dz/z-1/2 ले लेता हूँ मैं. ओके, व्हाट इट विल बी, ये क्या है आपके पास? एंड द रीजन इज सेम, यही सेम रीजन है. तो इन दैट केस आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है कि नहीं है. पहला तो चेक आपको ये करना है, फर्स्ट स्टेप. तो ज़रा देखो, z इक्वल टू हाफ, क्या z इक्वल टू हाफ इस रीजन में आ रहा है क्या? यस, इट इज कमिंग वेयर एट दिस पॉइंट. अब ये जो है ना एनालिटिक नहीं हुआ, अब ये एनालिटिक नहीं हुआ एक पॉइंट पे जो कि है z इक्वल टू हाफ. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रल को निकालने के लिए आपके पास अगर एनालिटिक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, तो आपके पास इस कॉशी थ्योरम का एक एक्सटेंशन है, आपको पता होगा, दैट इज कॉशी इंटीग्रल थ्योरम. ठीक है, इंटीग्रल थ्योरम आपके पास क्या होता है कि अगर fz/z-a है, कोई एक पॉइंट है जिस पे ये एनालिटिक नहीं है, तो इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू 2πi times of f(a). ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 2πi times of f(a). सो यहाँ पे एफ जेड ये है. ज़रा इसको कंपेयर करो इसके साथ dz/z-1/2. ठीक है, तो आपके पास, आपको पता लगा a की वैल्यू तो आपके पास हाफ है. ठीक है, और व्हाट इज एफ जेड यहाँ से अगर कंपेयर करोगे, व्हाट इज एफ जेड? एफ जेड इज नथिंग बट 1 इटसेल्फ, एक वन ही है. सो इट विल बी इक्वल टू 2πi times of f(half). सो f(half) f(x) जो है वो 1 है, तो कम्प्लीटली आपके पास 2πi ही आ जाएगा. अगर ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया और मैंने ये क्वेश्चन ले लिया तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2πi. आई होप आप लोगों को कॉशी थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल थ्योरम दोनों क्लियर हो गया होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें से आने के हमेशा चांसेस रहते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन. अब इसके आगे रेसिड्यू थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो नॉर्मल सी बात है, इसका जो आंसर आपके पास dz/z-1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2πi. ठीक है, एवरी बाउंडेड एंड एंटायर फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज इक्वल इज कॉन्स्टेंट. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये. द रीजन इज क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये है आपके पास लॉलेस थ्योरम. ये कहता है आपके पास कि एवरी बाउंडेड एंड एंटायर फंक्शन इज कॉन्स्टेंट. इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है ओवरऑल होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे और बाउंडेड भी है, भाई जब ओवरऑल होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होगा, डिफरेंशियबल होगा, तो बाउंडेड भी होना चाहिए वो. तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है.
तो उसने कहा कि अगर एंटायर है एज वेल एज बाउंडेड है तो इसका मतलब वो कुछ और नहीं एक कांस्टेंट फंक्शन ही है। ठीक है, तो जैसे आप साइन जेड देखोगे, साइन जेड आपके पास एंटायर है बट इट इज़ नॉट बाउंडेड। ठीक है, सिमिलरली ई रेस टू द पावर जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, मतलब एंटायर फंक्शन है, ओवरऑल ऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है, तो लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, और अगर बाउंडेड होगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन ही ओनली होगा। अब आ जाते हैं सिंगुलैरिटीज पे। अब आपको बताना है कि एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू द पावर 1/z, ये जो है इसमें आपके पास किस तरह की सिंगुलैरिटी है, पोल है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, रिमूवल है सिंगुलैरिटी है, या फिर रेगुलर सिंगुलैरिटी, किस तरह का सिंगुलैरिटी। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो एक काम करो, इसको जस्ट एक्सपेंड कर लो। ठीक है, ई रेस टू 1/z, ई रेस टू जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + z + z² / 2, यू नो, 1/z² / 2 + z³/3, अगर एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड है तो, है ना, 1/z³/1/3 +... इस तरीके से है। अब मुझे चेक करना है जेड इक्वल टू जीरो पे, यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे। जेड इक्वल टू जीरो जो है वो किस तरह का सिंगुलैरिटी यहाँ पर है, तो आप देखो कोई भी केसेस ऐसा नहीं है आपके पास। जब इस तरह का एक्सपेंशन आप करते हो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, तो अगर नॉन एनालिटिक पार्ट जो है इसमें डेनोमिनेटर में जेड अगर फाइनाइट है, अगर मान लो जेड फाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ तो आपके पास इनफाइनाइट ही आ रहा है, फाइनाइट होता है तो पोल होता है। ठीक है, मतलब जेड रेस टू द पावर एन 1/somewhere इज देयर एंड देन आफ्टर दैट इट इज एनालिटिक n+1 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे पोल हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में इस तरह का कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस यू हैव एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इस केस में आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होता है। इस फंक्शन में आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, इस फंक्शन में आपके पास किस तरह की सिंगुलैरिटी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट एट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड, ये आपके पास 1 आ रही है, लेकिन एफ ऑफ जीरो जो है वो आपके पास 0 वैल्यू दी हुई है, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का जब केस होता है, इस तरह का जब केस होता है, तो आपके पास किस तरह की सिंगुलैरिटी होती है, अगर z टेंड्स टू a f ऑफ z इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है आपके पास रिमूवल सिंगुलैरिटी। ठीक है, रिमूवल सिंगुलैरिटी इस तरह की होती है, तो इसका आंसर आपके पास रिमूवल सिंगुलैरिटी हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर इस 1 की प्लेस पे, इस सॉरी 0 की प्लेस पे अगर मैं रिमूव कर दूं 0 और 1 लिख दूं, तो ये सिंगुलैरिटी नहीं रहेगा, इट विल बिकम अ यू नो एनालिटिक फंक्शन देन, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम हो जाएगी। अब ज़रा एक काम करते हैं, साइन जेड ऑफर जेड को अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1/z मल्टीप्लाई बाई z - z³/3 + z^5 / 5 - ... यही होता है एक्सपेंशन। इसको अगर मैं एक काम करते हैं, z से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - z²/3 + z^4/5 एंड सो ऑन। अब इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं दिख रही है, है ना। और अगर मैं ये, तो आपके पास लिमिट अगर आप इसमें z टेंड्स टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये कम्प्लीटली दिस ऑल थिंग विल बी 0, तो आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपके पास 0 दी हुई है, तो इसीलिए रिमूवल सिंगुलैरिटी हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंशन से भी आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी है। अगर नेवर एंडिंग 0 मतलब z नीचे डेनोमिनेटर में आ रहा है, वो एंड नहीं हो रहा है उसकी पावर, तो आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी, और अगर इस तरह का कंडीशन है तो रिमूवल सिंगुलैरिटी। जरा इस क्वेश्चन में बताओ, साइन जेड अपॉन जेड रेस टू 4 हैज सिंगुलैरिटी, किस तरह का सिंगुलैरिटी है इसमें। सो इसमें आप देखोगे, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, साइन जेड अपॉन जेड रेस टू 4 को, जेड रेस टू 4 को बाहर ले लेते हैं, और इसको एक्सपेंड करेंगे, z - z³/3
plus z raised to 5 by factorial 5 minus z raised to 7 by factorial 7 and so on. ठीक है, यही होता है शायद एक्सपेंशन, आपको ध्यान होगा. अब इसको z raised to 4 को 1 by z raised to 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, then I'll have you know 1 upon z cube, okay, then minus 1 upon factorial 3 dot 1 upon z, ठीक है, plus 1 z upon factorial 5 minus z cube upon factorial 7 and so on. अब यहां से आप देखोगे ध्यान से, after this it is you know analytic, लेकिन ये जो दो पार्ट है ये आपके पास नॉन एनालिटिक पार्ट है. तो यहाँ पे आप देखो कि z raised to the power n, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 1 upon z raised to the power n अगर फाइनाइट आ जाता है, जिसके बाद जो है पावर जो है वो एनालिटिक पोर्शन आ जाती है, हाईएस्ट पावर होती है, तो ये इन इन दैट केस अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन मिल जाती है तो आपके पास z इक्वल टू जीरो जो है यहाँ पे आपके पास पोल हो जाता है. तो पिछले दो क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को एक दो बार और ध्यान से देख लेना मैंने किस तरीके से इसको एक्सपेंड किया है और मैंने किस हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये पोल होगा, इससे पहले एसेंशियल होगा और रिमूवल सिमिलैरिटी होगी. तो ज़रा इसको ध्यान से देख लेना, इस पर बेस्ड 100% क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, यहीं से एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिस वन, 1 अपॉन जेड का जो कॉफिशियंट है इसी को बोला जाता है रेसिड्यू. ठीक है, 1 अपॉन जेड का जो कोएफिशियंट है उसी को बोला जाता है रेसिड्यू. और 1 अपॉन जेड क्यूब, क्यूब जो n है ना, n यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, इट इज द ऑर्डर, इज ऑर्डर ऑफ द पोल, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द पोल. सो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द पोल z इक्वल टू जीरो, और ऑप्शन दिया जा सकता है. लेट मी सी, देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन ही ले लिया मैंने. एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड रेस टू फोर हैज पोल ऑफ ऑर्डर, इसका इस फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पोल है, उसने ऑलरेडी बोल दिया कि पोल सिंगुलरिटी है, लेकिन कितने ऑर्डर की सिंगुलरिटी, ठीक है, दैट इज 3. अभी मैंने एक्सपेंड करके बताया था, ये एक्सपेंशन आप देख सकते हो, इस एक्सपेंशन में आपके पास जो हाईएस्ट पावर आ रही है यहाँ पे डेनोमिनेटर में, दैट इज 3, और यही आपका ऑर्डर ऑफ द पोल हो जाता है, क्योंकि z इक्वल टू 0 यहाँ पे पोल है, क्योंकि 1 अपॉन z रेस टू द पावर n जो नॉन एनालिटिक पार्ट जो है वो फाइनाइट है, तो उसमें भी z की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो दैट इज द एक्चुअल पोल का ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द पोल, और ये पोल होगा z इक्वल टू 0. इसी में अगर क्वेश्चन और एक्सटेंड करना चाहते हो, क्वेश्चन बनाने को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो फैकल्टी के ऊपर है कि किस तरीके के क्वेश्चन वो देना चाह रहा है आप लोगों को. ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 ऑफ दिस फंक्शन, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का z इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू क्या होगा. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो एक्सपेंशन आप करोगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, उसमें 1 अपॉन z का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास रेसिड्यू हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन. और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिए हैं, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है. तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपके पास असाइनमेंट होंगे. ठीक है, तो रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन, अब इस तरह का अगर फंक्शन है आपके पास तो उसका रेसिड्यू क्या होगा एट जेड इक्वल टू 1, क्योंकि दो पॉइंट पे आपका रेसिड्यू निकल सकता है जिसपे सिंगुलर, जो सिंगुलर पॉइंट्स है, दैट इज जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट पे आपका रेसिड्यू निकल सकता है. तो रेसिड्यू जो है वो जेड इक्वल टू 1 पे बोला है, तो कुछ नहीं करना है. फॉर दैट यू नीड टू फाइंड द लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जेड, ये होता है आपके पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड टेंस टू 1, दिस इज the definition. तो यहाँ करना कुछ नहीं है, लिमिट z टेंस टू 1 सब्सटीट्यूट करना है, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है एफ जेड को. एफ जेड क्या है, 7z माइनस 2 अपॉन z माइनस 1. ठीक है, तो ये जो z माइनस 1 है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही होगा हमेशा ही. ठीक है, देन लिमिट z टेंस टू 1 7z माइनस 2 अपॉन z,
वन सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास 7 × 1 दैट इज 7 − 2 5, 5/1 दैट इज 1, सॉरी 5, सो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब रेसिड्यू हो जाएगा। अब सपोज इसी क्वेश्चन में आपको z इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू बोला होता, व्हाट इज द रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, तो उसके लिए आपका जो हो जाता फॉर्म वो हो जाता z इक्वल टू 0 fz इज नथिंग बट लिमिट z टेंड्स टू 0 z मल्टीप्लाई बाय f ऑफ z, ठीक है, तो z मल्टीप्लाई बाय लिमिट z टेंड्स टू 0 z मल्टीप्लाई बाय fz, fz इज आप 7z - 2 अपॉन z - 1, तो दिस टाइम z विल बी कैंसिल आउट एंड 0 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो -2/-1 आ जाएगा, दैट इज 2। तो z इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का रेसिड्यू जो है वो आपके पास आ रहा है 2, ठीक है, तो इस तरीके से आप रेसिड्यू निकाल सकते हो किसी फंक्शन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, और इसमें z की वैल्यू आपके पास एफ जेड की वैल्यू दी हुई है 7z − 2/z − 2 एट z इक्वल टू 0, ठीक है, वैसे z इक्वल टू 0 नहीं भी लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इसका कंप्लीट का इंटीग्रल निकालेंगे ही हम पोल पे, और एक केवल सिंगल सिंपल पोल है यहाँ पे, दैट इज z इक्वल टू 0 ओनली, सॉरी 2 ओनली। सो एज पर रेसिड्यू थ्योरम, अब जरा रेसिड्यू थ्योरम देख लो क्या आता है, रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एफ जेड इंटीग्रल ऑफ एफ जेड है एंड एफ जेड हैज़ अ पोल मल्टीपल पोल्स मीन्स मोर देन वन पोल्स आर देयर देन इट विल बी इक्वल टू 2πi टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज एट डिफरेंट पोल्स, ठीक है, जेड आई लिख देता हूँ, जेड टेंड्स टू जेड आई एंड आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to वट एवर, हाउ मच नंबर ऑफ पोल्स आर देयर, ओके एंड इस तरह का आपके पास ये रेसिड्यू थ्योरम होता है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में एफ जेड में अगर सिंपल पोल कोई है देन इट विल बी 2πi टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 2πi टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मीन्स दिस इज योर एफ ऑफ जेड, ठीक है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए था ना वहाँ पे, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू 2πi टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, एफ जेड इज दिस टाइम इज 7z − 2, सो एफ ऑफ ए विल बी 7 × a = 2, सो 7 × 2 − 2, तो ये आ जाएगा 2πi टाइम्स ऑफ 7 × 2 दैट इज 14, 14 − 2 = 12, सो 12 × 2 दैट इज 24, तो 24πi विल बी द आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत है, अभी तो चलो ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से हो गया, इसी का एक्सटेंशन आपके पास रेसिड्यू थ्योरम में होगा, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास है वैल्यू आपको बतानी है इसकी, अब कॉशी इंटीग्रल फार्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि दो पॉइंट्स पे होगा, डिफरेंट पॉइंट्स पे, मतलब इस तरह का फॉर्म आपके पास बनना चाहिए एक सिंपल पोल, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक की बजाय आपके पास दो पोल हैं, मल्टीपल पोल हैं, ठीक है, सो दिस इज योर एफ जेड, ये आपका एफ जेड है, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये होगा आपका रेसिड्यू थ्योरम से, इसका सिंपल सा मतलब है अगर इसका इंटीग्रल मुझे निकालना है 7z लाइक दिस, इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास दो पोल है तो हमारे पास हमें इस तरीके से रेसिड्यू निकालनी है दोनों पोल पे एंड उसको 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ज़रा करके देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2πi मल्टीप्लाई बाय रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट एफ ऑफ जेड एट जेड टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको हटा दो, ठीक है, रिमूव दिस वन और जेड की प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट कर दो, 7 × 2 दैट इज 14, 14 − 2 आपके पास होगा 12, 12 बाई
2 माइनस 1 दैट इज 1, सो 12, इट विल बी 12 ओनली, प्लस रेसिड्यू अब मुझे निकालना है z टेंड्स टू 1 पे, इन दैट केस आई विल रिमूव दिस वन, इसको हटा दो ठीक है, और z टेंड्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ और यहाँ, तो z टेंड्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5, 5 अपॉन 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, सो माइनस 5 ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 पाई आई टाइम्स ऑफ 12 माइनस 5, सो दैट विल बी 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 14 पाई आई, इसका आंसर आना चाहिए 14 पाई आई, जो कि कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा है, आई थिंक ये ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे, इनमें से एक आप कोई भी 14 पाई आई इनमें से आना चाहिए, दैट विल बी द आंसर ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ जब आपको भेजूंगा उस समय ये एडिट कर दूंगा। नाउ दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एफ जेड आपके पास इस तरीके से दिया है मतलब आपके पास पोल जो है उसका ऑर्डर आपके पास मोर देन वन है, दैट इज नॉट अ सिंपल पोल, सिंपल पोल नहीं है ये, पोल ऑफ ऑर्डर एन फॉर्म में है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, सो इसके लिए आपके पास जो सॉल्यूशन होता है दैट इज एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल रेस्ट टू द पावर एन, अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ता है आपको, 2 पाई आई टाइम्स ऑफ एफ एन माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ जेड अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होगी और यही अप्लाई करना है, थ्योरम्स आपके पास हैं जस्ट थ्योरम को अप्लाई करना पता होना चाहिए, इसीलिए ये बहुत सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, केवल दो चार थ्योरम है वो ध्यान रखना है बस, सो लेट मी कंपेयर दिस विद दिस ओके, सो यहाँ से पता लग रहा है आपको कि एफ जेड की जो वैल्यू है वो है आपके पास e रेस टू द पावर माइनस जेड, एफ जेड इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस जेड, a इक्वल टू 1 ओके, एंड देन वी नीड टू डू द डिफरेंशिएशन, व्हाट इज n, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3, तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, n माइनस 1 टाइम, मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, एफ जेड को अगर मैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करूँगा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस ई रेस को माइनस जेड आएगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस इंटू माइनस दैट विल प्लस ई रेस को माइनस जेड ही आ जाएगा, मतलब एफ जेड ही आ जाएगा, तो दो बार डिफरेंशिएट 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ जेड अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, क्योंकि एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है, सो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है, पाई आई मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू द पावर माइनस जेड का 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ई रेस टू माइनस जेड ही है, सो ई रेस टू माइनस जेड आ गया, दैट इज इक्वल टू पाई आई, इसको आप डेनोमिनेटर में लिख सकते हो, e raised to minus z is nothing but e raised to the power z, अब z tends to क्या करना है आपको, यहाँ that is not z actually, this is a, या फिर आप z लिखने के बाद z tends to a कर सकते हैं ठीक है, तो यहाँ पे z tends to a, a is 1 here, तो यहाँ पे 1 substitute करूँगा मैं, तो ये finally आपके पास आ जाएगा e raised to the power minus z upon z minus 1 whole cube dz equal to pi I upon e, ओके पाई आई अपॉन ई इज द करेक्ट आंसर, सो दिस वन इज करेक्ट ओके, नाउ लेट्स सी दिस, इसका मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट ही फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या है आपके पास, यू कैन सी दिस, अगर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई दिया हुआ है डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए साइन एक्स इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1 माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, इफ दिस इज डेफिनेट, दिस शुड यू शुड कीप इन माइंड दैट ए शुड बी लाई बिटवीन माइनस 1 एंड 1, दिस ए शुड लाई बिटवीन माइनस 1 एंड 1, एंड द सेम थिंग विल होल्ड विद दिस द इंटीग्रल लिमिट ऑल्सो, फ्रॉम 0 टू 2 पाई ऑल्सो इट विल वर्क, एंड फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ऑल्सो द सेम रिजल्ट यू विल हैव ओके, सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चन, इसको एक काम करते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, तो आपके पास ये आ जाएगा 0 टू 2 पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस
हाफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे, हियर ए इज हाफ, ठीक है, एंड विच इज लेस देन वन, ठीक है। सो एज पर द फॉर्मूला इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 2π अपॉन अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2π बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, सो 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3/4, मतलब कि यहाँ से ले सकते हैं 4 बाहर, तो आपके पास न्यूमरेटर में चले जाएगा, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 4, 4 बाई रूट 3। 4/√3 इसका आंसर आना चाहिए। एंड इफ इट इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर सॉरी माइनस पाई टू पाई होता तो इन दैट केस ऑल्सो द सेम रिजल्ट। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल में किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन करना है। तो आपने कुछ क्वेश्चन इसके देखे होंगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पर तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है ये, इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। क्या करोगे इसको, सो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, तो इंटीग्रल आपके पास आ गया टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a, ठीक है। सो इस पर अगर आप इन्फिनिटी अप्लाई करोगे दैट विल बी पाई बाई टू, तो पहले तो पाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई 1/a, ठीक है, देन माइनस एंड माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो दैट विल बी माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू, ठीक है। सो इट विल लीव यू 1/a टाइम्स ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, दैट इज पाई, मतलब पाई बाई ए जो है वो इसका इंटीग्रल आ जाएगा। नाउ समटाइम्स व्हाट दे यूज टू डू, इस तरीके का इंटीग्रल आपके पास दे देते हैं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट। सो डायरेक्टली आपको ए चेक करना है, ध्यान से देखो ए यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, ठीक। और अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी अगर इसको कर दूँ, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दिस इज इवन फंक्शन, तो 0 टू इन्फिनिटी अगर कर दूँ तो दैट विल यू नो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, इन दैट केस इट विल बी पाई बाई 2, है ना। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 जो है वो दैट विल बी पाई बाई 2 देन। ओके, सो अब फाइनली इसका देख लेते हैं असाइनमेंट। आप लोगों के ये 4 क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट पे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। ये चारों के चारों असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपके AKTV में, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। AKTV का जो सॉल्यूशन बताया मैंने उसमें पहले ही वीडियो में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट मी नेम दिस एज ऑप्शन, मैं दे देता हूँ ABCD, ये पॉइंट से आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, इन सभी का मुझे ऑप्शन में आंसर सॉरी कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। टाइम लो, गलत मत करना, ठीक है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। रेसिड्यू बस पूछा है, यहाँ पे देखो इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, और इस क्वेश्चन में भी ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने पहले ही 1/2πi लिखा हुआ है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। और अगर इनका आंसर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, अगले वीडियो में मैं इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो कुछ शॉर्ट्स वीडियो आते हैं मेरे, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो, ये क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व मिलेंगे। ये जो सिलेबस है टोटली बहुत ही कॉमन है AKTU के सिलेबस के, UPTU के सिलेबस के एकदम इक्विवेलेंट है, ठीक है। और BPUT में भी पहले ये सिलेबस था, अभी कॉम्प्लेक्स में से हटा दिया गया है, हालांकि वो पहले था, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, जो अपने साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं सभी, उनके लिए भी ये सेम टॉपिक सेम सिलेबस होता है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो, मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ के, जो कि AKTU के सिलेबस में है, बाकी सारा सिलेबस आपके इस RGPB में है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट जो सेशन है वो सही लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। ओवरऑल वीडियो में मैं कहीं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मॉड्यूल 5 पे होगा, जो कि आपका वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग MCQs करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के MCQs अगर अच्छे लगे हो तो फिर ऑब्वियसली लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।